कंफ्यूजन इन माई माइंड। तो डिस्कस करते हैं आप लोग से कि ये एक तरीके से अभी सेमीफाइनल होने वाला है मिडिल वेट का, और मैं बात कर रहा हूँ आदासान्या ने डिस्ट्रॉय जो किया अभी पाब्लो कोस्टा को, उसके बाद से कॉल आउट किया किसको, कैननियर को, ठीक है, जो डिजर्विंग है कॉल आउट का। लेकिन सेमीफाइनल होने वाला है रॉबर्ट विटिकर और जैरेड कैननियर, इन दोनों के फाइट में क्या होगा अगर कैननियर हार गया तो, क्योंकि ये वाली फाइट 1 महीने के बाद होने वाली है और उसके बाद से फिर अगर होगा तो उसके बाद से बिल्डअप होगा। अगर कैननियर जीता, क्योंकि आदासान्या ने कॉल आउट किया है कैननियर को, तो अगर कैननियर जीता तो ठीक है, लेकिन रॉबर्ट विटिकर जीता तो क्या होगा, क्योंकि 1 साल पहले, अभी मतलब 1 साल भी नहीं हुआ है, लगभग 1 साल हो गया कि रॉबर्ट विटिकर को एक तरीके से डोमिनेट किया था, उतना ज्यादा डोमिनेट नहीं जितना ज्यादा पाब्लो कोस्टा को, पाब्लो कोस्टा को तो डिस्ट्रॉय कर दिया मतलब, और उसके पास अभी कुछ कहने के लिए है नहीं, ठीक है, मतलब जो उसको बोला जा रहा था कि ही इज अ बुलडोजर और आएगा कुछ भी हो वो आगे बढ़ेगा, हाँ, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग फाइट थी। लेकिन अगर रॉबर्ट विटिकर जीत गया तो मतलब हमको ऐसा लगता है कि मीडिया में बात चल रही है कि रॉबर्ट विटिकर लाइन में नहीं होगा, ठीक है, अभी जैरेड कैननियर को मतलब कॉल आउट किया है आदेसान्या ने, और मतलब कि जैरेड कैननियर को हरा देगा रॉबर्ट विटिकर, तो ही इज इन द लाइन। लेकिन उसके बाद से फिर एक और मैचअप होने वाला है, उसको भी आप कह सकते हैं कि सेमीफाइनल होगा, आपको जोकर से जैक हरमैनसन और डैरन टिल, जो डैरन टिल को अभी रॉबर्ट विटिकर हरा के आया है, तो उन दोनों के मैच में, जैक हरमैनसन और डैरन टिल का जो मैच होने वाला है, उन दोनों में अगर डैरन टिल जीत गया, ठीक है, और रॉबर्ट विटिकर इधर इधर जीत गया, तो रॉबर्ट विटिकर हैव टू बी नेक्स्ट इन लाइन, जैरेड कैननियर नहीं, ठीक है, क्योंकि हार गया वो रॉबर्ट विटिकर से। लेकिन जैक हरमैनसन जीत गया और इधर रॉबर्ट विटिकर जीत गया, तो जैक हरमैनसन वर्सेस रॉबर्ट विटिकर हो सकता है, और इन दोनों में जो जीतेगा वो इजराइल अलासानिया के साथ, और मैं तब भी, कोई भी जीते तब भी मैं फेवर करूंगा इजराइल अलासानिया को। रॉबर्ट विटिकर का थोड़ा ज्यादा चांस बनता है, जैरेड कैननियर का मतलब हमको पता नहीं है, तो मतलब मैं उतना ज्यादा उसको जानता नहीं हूँ, लेकिन जैक हरमैनसन का ग्राउंड गेम काफी अच्छा है, डैरन टिल अभी रॉबर्ट विटिकर से हार के आया, तो मैं उतना ज्यादा उसको मतलब चांस नहीं दे पा रहा हूँ, मतलब जिस तरीके का उसका गेम है अभी, मतलब आगे 6 महीने साल भर में वो किस तरीके का परफॉर्मेंस देता है, और खास करके अभी जैक हरमैनसन के साथ उसका मैच है तो उसमें किस तरीके का परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि अभी वो हार के आया है तुरंत रॉबर्ट विटिकर से, क्योंकि उसको पता था कि रॉबर्ट विटिकर से अगर जीतेगा तो वो ही विल बी द नेक्स्ट इन लाइन, तो बहुत ज्यादा प्रेशर था, लेकिन वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, मतलब डिसअपॉइंटिंग है, और मतलब अभी वो यंग है तो कुछ लेना देना है नहीं। लेकिन यंग डैरन टिल है, तो यंग रॉबर्ट विटिकर को भी कह सकते हैं आप, 4-5 साल, 3 साल चैंपियन रह चुका है, योएल रोमेरो के साथ 2 मैच था, जो योएल रोमेरो टॉप पर जब था तब के 2 मैच था, उस 2 मैच उसने खेला है मतलब वॉर्स, तब अभी वो बहुत दिन से है मतलब एमएमए के फाइट में, लेकिन आप लोग बहुत दिन से नाम सुन रहे होंगे तो आपको लगा होगा कि काफी ज्यादा एज हो गया होगा, मे भी ज्यादातर लोग प्रिडिक्ट करेंगे 35, लेकिन 30 के 30 31 के अप्रोक्स में उसका वेट है, ही इज यंग मैन, ही इज वेरी यंग, और हमको ऐसा लगता है कि इन चारों में सबसे ज्यादा मतलब इजराइल अलासान्या को हराने का चांस बनता है रॉबर्ट विटिकर का बनता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर जैरेड कैननियर से रॉबर्ट विटिकर जीता और उधर से डैरन टिल जीता, तो रॉबर्ट विटिकर पक्का आ जाएगा मतलब नेक्स्ट इन लाइन, जैरेड कैननियर हार जाएगा मतलब हट जाएगा, और डैरन टिल और जैक हरमैनसन से, जैक हरमैनसन अगर जीत गया और इधर से रॉबर्ट विटिकर जीत गया, तो इन दोनों का मैच हो सकता है, और अभी इधर से रॉबर्ट विटिकर और कैननियर के बीच में जो मैच होगा, तो अगर कैननियर जीत गया तो वो वाला जो मैच होने वाला है वो इट डजेंट मैटर, मतलब ये वाले साइड वाला, और ये वाले साइड अगर कैननियर जीत गया, इजराइल अडेसान्या ने बोल ही दिया है तो ही विल नेक्स्ट इन लाइन। और जब कैननियर की बात आती है तो मतलब कि मेरा माइंड एकदम ब्लो हो जाता है, क्यों पता है, क्योंकि वो यूएफसी में आया था हैवी वेट के तौर पे, हैवी वेट में उसने फाइट खेली, फिर लाइट हैवी वेट में फाइट खेली, अभी मिडिल वेट में फाइट खेल रहा है, अब हमको ऐसा लगता है देख के उसको कि मतलब इतना ज्यादा उसके पास पावर होगा, इट्स लाइक मतलब अमेजिंग, और उसके बाद से अगर हमको लगता है कि अभी भी उतना ज्यादा वो रिप्ड नहीं आता है, मे बी वो वेल्टर वेट में ही फाइट खेल सकता है, मतलब दैट विल बी अमेजिंग। लेकिन यही सब कहना था इजराइल अलासान्या के कॉल आउट के बारे में, एंड इजराइल अलासान्या का ये वाला फीचर हमको काफी अच्छा लगता है कि वो मैच के बाद उसको पता हो कि वो मैच जीतेगा और उसके बाद से वो किसको कॉल आउट करेगा, तो उसने जैरेड कैननियर को कॉल आउट कर दिया, और उसके बारे में मैंने पूरी स्टोरी मतलब आपको बताई थी।